हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जेएस टिप्स यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले एक्सेल में काउंटिंग फॉर्मूला के बारे में कि काउंटिंग फॉर्मूला का काम क्या होता है, कैसे इसका यूज करते हैं और कैसे आप काउंटिंग फॉर्मूला सीख के स्मार्ट एक्सेल यूजर बन सकते हैं। तो करते हैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मैं जयपाल सिंह, लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि काउंटिंग फॉर्मूला का यूज हम क्यों करते हैं। दोस्तों काउंटिंग फॉर्मूला का यूज किया जाता है डुप्लीकेट वैल्यूज काउंट करने के लिए। जैसे कि अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि आपको पता करना है कि जो नाम का लिस्ट है ना, इसमें अमित कितनी बार लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पर जो प्रेजेंट अब्सेंट है इस रेंज में पी कितनी बार है, तो जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि ये चीज कितनी बार है, तो वहाँ पर आपको सीधा सीधा काउंटिंग फॉर्मूला का यूज करना है। कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहला एग्जांपल मेरे पास, यहाँ पर एक अटेंडेंस शीट है जिसमें मुझे पता करना है कि जो अमित है वो यहाँ पर कितना दिन प्रेजेंट है। मुझे काउंट करना है, पी की काउंटिंग करनी है। तो कैसे करूँगा, काउंटिव से करूँगा। कैसे लगाएंगे, इक्वल काउंटिव। काउंटिव लिखने के बाद ये क्या मांग रहा है आपसे, रेंज। रेंज में क्या करेंगे आप, जहाँ से आपकी अटेंडेंस स्टार्ट है ना, वहाँ से और एंड तक आपको सिलेक्ट करना है। कैसे, यहाँ पर देखो इस तरह आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या करेंगे आप कि इस रेंज में आप ढूंढ क्या रहे हैं। हम इस रेंज में ढूंढ रहे हैं प्रेजेंट यानी कि पी। तो क्या करेंगे आप, डबल कोट को ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पी डबल कोट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो यहाँ पर देखेंगे जो अमित इम्प्लॉय है इसके प्रेजेंट कितने हैं, तीन। और सिंपली इसको यहाँ पर आप ड्रैग कर देंगे इस तरह से, तो यहाँ पर सभी का क्या है, प्रेजेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कैसे हम काउंटिव का यूज करेंगे। मेरे पास एक एग्जांपल और है, सीट टू में देखेंगे आप, यहाँ पर कुछ कलर नेम है रेड ब्लू ग्रीन। मुझे पता करना है कि इस रेंज में रेड कितनी बार है, ब्लू कितनी बार है या ग्रीन कितनी बार है। तो ये भी किस से होगा, काउंटिव से होगा। कैसे करेंगे, इक्वल काउंटिव। इसके बाद फिर से आप रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इस रेंज को मैंने सिलेक्ट कर दिया, इस रेंज में मुझे ढूंढना है कि यहाँ पर रेड कितनी बार है, कॉमा। क्राइटेरिया में क्या करेंगे आप, सिंपली यहाँ पर रेड को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज के बाद सिंपली इंटर प्रेस करना है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस रेंज है जो, इस रेंज में रेड कितनी बार है, 11 बार। इसको सिंपली ड्रैग कर देंगे यहाँ पर, तो सभी की काउंटिंग यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर अगर आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम काउंटिंग फॉर्मूला का यूज करेंगे या क्यों काउंटिंग फॉर्मूला का यूज किया जाता है एक्सेल में, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।